नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। हार्ट अटैक के बाद तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की हालत नाजुक। ईसीएमओ और दूसरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं जयललिता। अपोलो अस्पताल के बाहर जयललिता के समर्थकों की जुटी भीड़। एआईजीएमके के अगले उत्तराधिकारी को लेकर अटकलें तेज। पार्टी विधायकों को बुलाया गया अपोलो अस्पताल। पनीर सेल्वम को उत्तराधिकारी बनाने के लिए एफिडेविट पर विधायकों से करवाए जा सकते हैं हस्ताक्षर। शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान की चांदी की 5 शहनाइयां चोरी। शहनाइयों के साथ चांदी की कई तश्तरियां और लाखों रुपए के जेवरात चुराए। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप को पछाड़। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के पोल में जीते पीएम मोदी। 7 दिसंबर को की जाएगी औपचारिक घोषणा। पिछले साल जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल चुनी गई थी पर्सन ऑफ द ईयर। मुंबई के डॉकयार्ड पर फिसला युद्धपोत आईएनएस बेतवा। 14 जख्मी और क्रू के 2 लापता सदस्यों की तलाश जारी। मरम्मत के बाद समंदर में उतारा गया था आईएनएस बेतवा। बीसीसीआई बनाम लोढ़ा समिति मामले में सुप्रीम कोर्ट 9 दिसंबर को करेगी सुनवाई। समिति ने बीसीसीआई के सभी पदाधिकारियों को हटाने की थी मांग, तो वहीं बीसीसीआई ने समिति की सिफारिशों को मानने से किया था इनकार। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।